मैंने पावर रेंजर्स के आज तक जितनी भी सीरीज देखी है ना, उनमें से टाइम फोर्स पावर रेंजर्स सबसे मैच्योर और एडल्ट वाली सीरीज है, जहाँ दूसरे पावर रेंजर्स में बच्चों के मन को बहलाने के लिए फनी कंटेंट डाला जाता है, वही उससे उलट टाइम फोर्स हमें दुनिया के रियलिटी को दिखाता है और फन के साथ इमोशंस को अच्छे से शो करता है। मेरा यकीन मानो, ये पावर रेंजर सीरीज दूसरे पावर रेंजर सीरीज से बिल्कुल अलग है। चाहे बात कर लो यूनिक कॉन्सेप्ट की या चाहे बात कर लो स्टोरी लाइन की, हर चीज में ये सीरीज अलग है। पहले तो मैं आपको इस सीरीज के यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, मैं आपको इसके स्टोरी लाइन के बारे में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। साल 3000 में टाइम फोर्स पुलिस ने एक म्यूटेंट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, रामसिक। वो यहाँ के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक है, इसलिए प्रोटोकॉल को मजबूत किया गया था। फिर भी रामसिक बच के निकल जाता है और टाइम फोर्स रेड रेंजर को मार के साल 2001 में टाइम ट्रेवल करता है, ताकि वो पास्ट में लोगों के ऊपर हमला करके दुनिया पर कब्जा कर सके। फिर उसका पीछा करते हुए टाइम फोर्स के बाकी चार रेंजर्स पास्ट में चले जाते हैं, और यही से शुरू होती है टाइम फोर्स की असली स्टोरी। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड आपको ये बात तो पता ही है कि पास्ट में जो चेंजेस टाइम ट्रेवलर करते हैं, उसका इफेक्ट फ्यूचर पे भी पड़ता है। तो रामसिक अगर इस टाइम दुनिया पे कब्जा कर लेगा, तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली उसके हाथ में आ जाएगा। ये एक ऐसा सीरीज है जहाँ हमें फीमेल पिंक रेंजर लीड रोल में देखने को मिली है। फ्यूचर में रेड रेंजर एलेक्स की मौत हो जाने के वजह से टाइम फोर्स रेंजर्स को एक लीड रेड रेंजर की जरूरत पड़ती है, और फॉर्चुनेटली उन्हें पास्ट में वेस नाम का एक बंदा मिल जाता है, जो बिल्कुल एलेक्स की तरह ही दिख रहा था, और उसका डीएनए भी एलेक्स के डीएनए से मैच कर गया। इसलिए कहा जाता है कि एलेक्स वेस के ही बिरादरी का है। एनीवेज, यह पिंक रेंजर की एंगेजमेंट एलेक्स से हो चुकी थी और दोनों शादी करने वाले थे, पर पास्ट में पिंक रेंजर जेन को वेस से प्यार हो जाता है। वेस एक रिच स्पॉइल ब्रैट था और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ और जीन के साथ बाकी रेंजर्स की उसने काफ़ी मदद की, क्योंकि फ्यूचर से आने की वजह से इन टाइम फोर्स रेंजर्स को यहाँ खुद को अडॉप्ट करने में परेशानी हो रही थी। और सीरीज में आगे चलकर वेस एक अच्छा लीडर साबित हुआ। इस सीरीज में रेसिज्म को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मेन विलेन रामसिक दुनिया को तबाह क्यों करना चाहता है, उसके पीछे एक कहानी है। फ्यूचर में बेबीज को फैक्ट्री में स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनके इम्यूनिटी और ब्रेन पावर को बढ़ाकर। पर रामसिक के साथ उस दौरान एक केमिकल एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया, तो उसके लुक की वजह से लोग उससे नफरत करने लगे। दूसरी ओर रामसिक को पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा, और ऐसी हालात में लोग उसकी मदद करने की जगह उससे नफरत कर रहे हैं, और यही बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसने इस दुनिया के सारे इंसानों को मिटा देने का फैसला किया। इसी के साथ हमें सीरीज में सिक्स्थ रेंजर भी देखने को मिला है, क्वांटम रेंजर। एरिक नाम के इस कैरेक्टर को सीरीज में आगे चलकर क्वांटम रेंजर का मॉर्फर मिलता है। पहले एरिक के हरकतों की वजह से मुझे ये लग रहा था कि वो क्वांटम रेंजर के पावर को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, पर उसके बैक स्टोरी से आप खुद भी रिलेट कर पाओगे। एरिक पहले वेस का ही दोस्त था, पर उसकी गरीबी की वजह से उसके साथ बहुत गलत बिहेव किया जाता था, इसलिए वो अपने दोस्त वेस्ली से जेलस होने लगा। उसकी ये जेलोसी सीमा पार करने लगी जब उसे पता चला कि वेस रेड रेंजर बन चुका है। उसे हमेशा ये लग रहा था कि वेस ने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, उसे ये सब ऐसे ही मिल गया क्योंकि वो पैदाइशी अमीर है। और इस टाइम उसे क्वांटम मॉर्फर के बारे में पता चला और जबरदस्ती उसने ये मॉर्फर एक्वायर कर लिया, फिर वो भी एक पावर रेंजर बन गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एरिक क्वांटम रेंजर इसलिए बना क्योंकि वो वेस से बेटर बनना चाहता था। हालांकि रेंजर बनने के बाद उसने लोगों को म्यूटेंट के हमले से बचाया, पर फिर भी जिस इरादे से वो रेंजर बना वो सही नहीं था। पहले वो दूसरे रेंजर से अलग रहकर अपना काम करता था, पर फिर उसका सोच बदला और वो उनके साथ मिलकर काम करने लगा। वेस के पापा चाहते थे कि वेस भी उनकी तरह एक अमीर बिजनेसमैन बने, पर वेस को लोगों के लिए काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं गारंटी देती हूँ कि आप इन रेंजर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, स्पेशली रेड और पिंक रेंजर से, क्योंकि पिंक रेंजर पहले से एलेक्स को प्यार करती थी और वो वेस के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहती थी, और वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेस भले ही इस टाइम का हो, पर चेन फ्यूचर की है, और अगर चेन यहाँ रह जाती है तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। आज के टाइम फोर्स रेंजर उसने फ्यूचर में बहुत से क्रिमिनल्स को पकड़ी है,
जो कि फ्यूचर में बदल जाएंगे और मैं भी रैंसिंग फ्यूचर में अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बात वेस भी जानता है और वो अपने फीलिंग्स को कैसे दबा सकता है। आगे चलकर हीरोज के साथ विलेंस का भी माइंडसेट चेंज हुआ और फ्यूचर भी चेंज हुआ। ये एक ऐसा पावर रेंजर सीरीज था जिसमें पहली बार एक पिंक रेंजर को लीडर के रूप में दिखाया गया है और ये वो पहला सीरीज है जिसमें पावर रेंजर्स मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय एक कंटेनर में कैप्चर करते हैं और इसमें किसी मेन विलेन को जेंट में बदलते हुए नहीं दिखाया गया है। और टाइम फोर्स रेंजर्स का वाइल्ड फोर्स रेंजर्स के साथ एक क्रॉसओवर भी दिखाया गया है। साथ ही सुपर मेगा फोर्स में भी हमें टाइम फोर्स रेंजर्स देखने को मिले हैं। दूसरे पावर रेंजर्स से अलग इन रेंजर्स का मास्टर मिस्टीरियस है और इनका मास्टर कौन है ये जानकर आपको बड़ा मजा आएगा। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।